So today we are going to discuss electric field lines. Electric field lines. इसको देखिए. Basically, फैराडे ने electric field lines का नाम क्या था? फैराडे का नाम. फैराडे साहब क्या बोलते हैं? जैसे कि आप सोचिए, ये एक सोर्स चार्ज अगर आपने रखा है. आपने सोर्स चार्ज रखा है और यहाँ पर आपने प्लस वन कूलम चार्ज रखा है. सो दिस सोर्स चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस प्लस कूलम चार्ज ना. दिस सोर्स चार्ज विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस प्लस वन कूलम चार्ज. एंड यू नो फोर्स इज ए वेक्टर. फोर्स इज ए वेक्टर पॉइंट. बैठो बेटा, यही बैठ जाओ. कोई दिक्कत नहीं है, चेयर ही करो, पीछे बैठ सकते हो. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये आपको पता है, ये तो नाइन्थ क्लास से ही पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी. सो इफ देयर इज अ सोर्स चार्ज एंड देयर इज अ प्लस कूलम चार्ज एंड देयर इज अ कूलम चार्ज इन द टेस्ट चार्ज, क्लियर? So this is source charge, I say test charge. This source charge applies force on this test charge. और इस force के पास अपना magnitude होगा और अपना direction होगा. Magnitude भी होगा and direction भी होगा. The magnitude होगा force का होगा E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q by R. This is the magnitude of the force acting on this plus coulomb test charge due to source charge. ना? What about direction? If this is positive direction will be in this direction and this is negative direction will be in this direction. तो होता क्या है कि अगर ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये 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 फोर्स लगेगा तो ये जाना शुरू करेगा, या इस पर किसी ना किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो अगर सो अब फोर्स लगने के बाद यानी कि जिस डायरेक्शन में ये वाला इस पर फोर्स अप्लाई करेगा बाबू, उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करें. क्या करें? एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करें. सो उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा सोचिए कि इसके पीछे में हम धागा बांध दें, जैसे कि हम लोग बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट में धागा. हम मान लीजिए कि प्लस वन कूलम चार्ज है और सात जी है सोर्स चार्ज, ठीक है? तो हम पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे. मान लीजिए कि हम प्लस चार्ज है तो हम धागा बांध दिया, सात जी सात जी भी प्लस चार्ज है और सोर्स है और हम टेस्ट है प्लस वन का. धागा बांध देंगे तो हम इधर सात जी हम पे फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इधर जाना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिधर जिधर जाएंगे जैसे जैसे हम फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? धागा ऐसे हो जाएगा कि नहीं मिलेगा? और उसी धागा जो है उसी धागा को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कि ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? सो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में अगर एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसी लाइन को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जैसे कि ये वाला इसका फोर्स अप्लाई करेगा प्लस चार्ज है तो ये वाला इसका फोर्स अप्लाई करेगा नहीं, और ये इधर जाते रहेंगे और फोर्स इस पर रखते रहेंगे नहीं, तो ये फील्ड लाइन बन जाएगा. अगर प्लस कूलम चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये वाला इसका फोर्स अप्लाई करेंगे और ये इधर जाते रहेंगे कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? अगर ये यहाँ प्लस वन कूलम चार्ज है तो ये वाले इसका फोर्स अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये इधर जाते रहेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा इनके फील्ड लाइन. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द. अब इस रूम में मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज है तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे. अब ये भाई साहब जो सोर्स चार्ज है इस वाले पे क्या करेंगे? अगर ये सोर्स चार्ज है इस वाले में देखो तो ये आ रहा ना अंदर, हम फ्रेम के अंदर आ रहे हैं ना, ये सोर्स चार्ज है कि नहीं? और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस वन कूलम चार्ज. तो ये वाले इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे कि इस डायरेक्शन में ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या ड्रॉ करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट? और उसी लाइन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, गेटिंग माय पॉइंट. और मान लीजिए इस स्पेस में एक चार्ज है तो ये चार्ज सोर्स चार्ज है इस रूम में. सो दिस सोर्स चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ना अराउंड इट सेल्फ, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और हर पॉइंट जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका मतलब उस पॉइंट पर प्लस कूलम चार्ज है और ये भाई साहब इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं.
तो इस रूप में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि हर जगह प्लस वन कूलम टेस्ट चार्ज रखेंगे, इनकी वजह से फोर्स लगेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और जिसका डायरेक्शन होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस रूप में देखा जाए तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा गेटिंग पॉइंट, यानी इस रूम में अगर सोर्स चार्ज है तो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड होगा और अपना डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे निकाल लेंगे, डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना शुरू करते हैं, क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना शुरू करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देंगे तो किसी को समझ में आ जाएगा कि सोर्स चार्ज जो है इस डायरेक्शन में इधर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन इधर प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन इधर प्रोड्यूस कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो बेसिकली इट्स इमेजिनरी कांसेप्ट। हालांकि इस रूम में अगर सोर्स चार्ज रखते हैं तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, फील्ड लाइंस दिखाई थोड़ी देगा, कहीं चार्ज रहता तो फील्ड लाइन आपको दिखाई नहीं देता ना। इस रूम में अगर सोर्स चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका मैथमेटिकली आप ये निकाल सकते हैं ऐसे फॉर्मूला करके। लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमें पता करना है, तो हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, एक लाइन के थ्रू डिनोट कर देते हैं। इसमें अगर प्लस, अगर यहाँ पर प्लस सोर्स चार्ज है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन डिनोट करना है, तो हम एक वर्चुअल एक इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। और लाइन कैसे बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में प्लस वन कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा वही लाइन का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रियल का ऐसा कुछ यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे और यहाँ से फील्ड लाइन निकलते हुए आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इट्स ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। सो मैं रखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द कर्व अलोंग विच फोर्स एक्ट ऑन प्लस वन कूलम चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज आपका मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कि कहीं पर सोर्स चार्ज रख देंगे, वो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और उसी लाइन को क्या बोलेंगे, फील्ड लाइन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक आइसोलेटेड प्लस चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर आपने आइसोलेटेड प्लस चार्ज रखा है, यानी कि एक ऐसा प्लस चार्ज रखा है, एक ही प्लस चार्ज है सोर्स चार्ज, बाकी दुनिया में कोई चार्ज नहीं, क्लियर, तो उसको फील्ड लाइन कैसा होगा, तो जिस पॉइंट पर क्या रखेंगे बाबू, प्लस वन प्लस चार्ज रखेंगे, और ये वाला इस पर फोर्स इधर अप्लाई करेंगे कि नहीं, तो इधर अगर फील्ड लाइन कट रखेंगे, अगर इस पॉइंट पर निकालना तो क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस वन प्लस चार्ज रखेंगे, और ये वाला इधर रिपेल करेंगे नहीं, बोलिए इस पॉइंट पर निकालना तो क्या करेंगे, प्लस वन प्लस रखेंगे, ये वाला इधर रिपेल करेंगे नहीं, यहाँ पर निकालना तो क्या करेंगे, प्लस वन प्लस रखेंगे नहीं, बोलिए, और ये वाले कोई रिपेयर करेंगे नहीं। तो अगर एक आइसोलेटेड प्लस चार्ज रखते हैं, अगर एक आइसोलेटेड प्लस चार्ज रखते हैं, यानी कि एक ही चार्ज रखना है, दुनिया में और कोई चार्ज नहीं है, उस चार्ज को किसी से मतलब नहीं है। सो अगर आइसोलेटेड प्लस चार्ज रखते हैं तो उसको सिलेक्टिव फील्ड में क्या होगा, आउटवर्ड, ऑलवेज गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बोलिए यहां से ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्लस चार्ज से निकलता है, क्या होता है, प्लस चार्ज से निकलता है, गेटिंग माय पॉइंट, ना रहा समझ। तो अगर खाली एक प्लस चार्ज है और उसको जो सिलेक्टिव निकालते हैं तो हर पॉइंट पे क्या करिए आप, प्लस वन कूलम चार्ज रख दीजिए और फोर्स का डायरेक्शन देख लीजिए किधर लग रहा है, इधर फोर्स लगे उधर ही क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अगर एक आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज, अरे बाप रे मेरा हालत खराब हो गया, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज, उसे के समान है कि यहां पर मतलब ये सोर्स चार्ज किसकी बात कर रहा है, सोर्स चार्ज की ध्यान दीजिएगा, वो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखते हैं जो कि आइसोलेटेड है और पॉजिटिव, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखते हैं जो कि आइसोलेटेड है और निगेटिव, तो यहाँ पर एक माइनस क्यू रखते हैं, माइनस क्यू, तो ये चार्ज आपको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं, मान लीजिए यहाँ पर निकालना है तो क्या करेंगे ऋतिक, यहाँ पर जिस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक निकालना है क्या करेंगे ऋतिक, क्या रखेंगे वहां पर पहले प्लस, अब ये भाई साहब इससे कितना सप्लाई करेंगे,
यहाँ पर बताइए किधर नीचे प्लस पर रखेंगे ना तो नीचे जाएगा ना बाबू। अच्छा यहाँ पर निकालना क्या करेंगे प्लस वन किधर अप्लाई करेगा और जाता कहाँ ना समझ या यहाँ भी ध्यान रखना अगर माइनस चार्ज रखेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन माइनस चार्ज की तरफ जाएगा और प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज से निकलेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज से क्या वो मर्ज करेगा क्या करेगा यहाँ पर इमर्ज करेगा ना। अरे बोलिए इमर्ज होता है ना एक मर्ज है कि मर्ज उल्टा लिख दीजिए ये हो गया इमर्ज निकलना ये हो गया मर्ज यानी कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स वहां से बाहर निकलेंगे और सोर्स चार्ज निगेटिव है तो गेटिंग माई पॉइंट ऑफ ध्यान दीजिएगा ये कब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जब एक ही प्लस एक ही सोर्स चार्ज है यहाँ पर एक ही प्लस सोर्स चार्ज है और यहाँ पर एक ही माइनस सोर्स चार्ज है। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का हो जाएगा बदल जाएगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अलग होता है सिंगल के लिए अलग होता है ना गेटिंग माई पॉइंट और नॉट तो ये एक ही चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज ठीक है ना बाबू। फील्ड लाइन इलेक्ट्रिकल लाइन आर दी कर अलोंग विच फोर्स एक्ट्स ऑन प्लस वन कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज ध्यान देना। अब ये सोर्स चार्ज आपका हो सकता है कि सिंगल सोर्स चार्ज हो या ये भी सकता है ना कि मल्टीपल हो। बोलिए ध्यान देना जब भी आपका सिंगल सोर्स चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन होगा स्ट्रेट लाइन क्या एंड इफ यू हैव मल्टीपल सोर्स चार्ज देन फील्ड लाइन विल बी कर्व। ध्यान दीजिए क्यों क्योंकि समझिए एक बात आप बताइए एक आदमी मान लीजिए आदमी मान लीजिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए कि ये हर्षित है हाँ हमेशा सात दिशा नहीं कहता था ये हर्षित है और यहाँ पर सात दिन अब हर्षित सात फोर्स अप्लाई करेगा खाली खाली हर्षित सात फोर्स अप्लाई करेगा तो सात जी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना और भी लीनियरली नहीं जाएंगे अगर इधर मारा हर्षित तो इधर जाएंगे अगर हर्षित ऊपर उठा के किया तो ऊपर जाएंगे हेडिंग में पॉइंट और ना इनकी वजह से सात जी पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि सात जी एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे या तो इधर या तो ऊपर ऊपर उठाएंगे तो ऊपर इधर धक्का देंगे तो इधर। लेकिन यहाँ पर बाबू मान लीजिए कि शुभम भी आ गया यहाँ पर शुभम भी है अब देखिए ध्यान अब मान लीजिए कि सात हर्षित हमेशा इधर से सप्लाई करेगा मतलब कि दूर फेंकेगा अकेले अगर हर्षित शुभम जी नहीं है मानते हैं शुभम जी नहीं है तो हर्षित जो है खाली सात जी को इधर फेंका देंगे इधर देंगे इधर फेंका हर्षित देंगे तो शुभम खाली सात जी को इधर फेंका देंगे लेकिन जैसे ही यानी कि हमेशा दूर फेंकना है सर इनका प्रॉपर्टी क्या है कि हम सात जी को हमेशा इधर धक्का देंगे कहीं भी रहेंगे अगर सात जी हारेंगे तो हम इधर धक्का देंगे सात जी हारेंगे तो हम अवे और यहाँ पर मान लीजिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा सात जी यहाँ रहेंगे तो इधर फोर्स लगेगा सात जी यहाँ आएंगे तो इधर सात जी यहाँ रहेंगे तो इधर सात जी यहाँ रहेंगे तो इधर सात जी यानी सात जी हमेशा इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड इंटरेक्शन होता है जिसको बोलते हैं रेडियली ध्यान दीजिएगा रेडियली आउटवर्ड एक डायरेक्शन है ये बताएंगे हम एंड रेडियली इनवर्ड रेडियली इनवर्ड ये देखिए दोनों डायरेक्शन रेडियली का मतलब होता है मतलब जैसे मैं हूं तो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे जहां हूं वहीं से सीधा ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं सीधा बाहर की तरफ उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड और कोई ऑब्जेक्ट है सीधा की तरफ खींच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे रेडियली
जैसे कि ये मार्कर से मैं सीधा ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अपने से दूर, तो इसको बोलते रेडियली आउटवर्ड, इसको अपने तरफ खींच रहा हूँ उसको बोलते रेडियली रेडियल पॉइंट। तो ये हफ्ती जो है रेडियली आउटवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर साथ रहेंगे तो सीधा ऐसे, यहाँ पर रहेंगे तो सीधा ऐसे, यहाँ पर रहेंगे सीधा ऐसे। और मान लीजिए शुभम भी आ गए, शुभम को यहाँ अब शुभम भी जो है रेडियली आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे शुभम भी जो है रेडियली आउटवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सात जी के सात जी देखिएगा, सात जी इधर फोर्स अप्लाई करेंगे और शुभम जी इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, सात जी किधर जाएंगे, सात जी पर एयरफोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ नहीं लगेगा। तो मान लीजिए किसी टाइम पर सात जी इधर मोशन करके इधर आ गए, यहां पर आ गए, फिर शुभम सात जी पर रेडियली इधर अप्लाई करेगा और ये फिर हसीन इधर, तब साथ इधर भी जाएंगे ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो देखा जाए तो साथ पे इनिशियली जब हसीन खाली अप्लाई करे तो साथ ही पे इधर फोर्स लगा था, ध्यान दीजिएगा खाली हसीन पर अप्लाई करे थे तो इधर और खाली शुभम अप्लाई कर रहे थे तो इधर, लेकिन दोनों के इफेक्ट आप देखिएगा साथ जी यहाँ से कैसे जाते रहे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, समझ तो घर बन रहे थे ना। अब सात जी यानी कि सात जी अकेले अगर सात जी के पीछे रस्सी बांध दिया जाए खाली हसीद फोर्स अप्लाई करेगा तो सात जी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, रस्सी स्ट्रेट हो जाएगा, खाली अगर शुभम फोर्स अप्लाई करेंगे सात जी के पीछे रस्सी बांध दिया तो सात जी एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे रस्सी का, लेकिन जैसे ये और ये रहेंगे दोनों अप्लाई करेंगे सात जी कैसे बनाएंगे, कर बनाएंगे ना, ना रहा समझ। अरे बोलिए वैसे ही सो स्टार्ट आपका किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा और उसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होगा, तो वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्व अलोंग व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन प्लस 1 फ्रॉम चार्ज टू सेल्फ चार्ज, और सोर्स चार्ज आपका एक हो सकता है या दो हो सकता है। तो अगर आपका सोर्स चार्ज एक है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, अगर एक से ज्यादा है तो हमेशा कर्व रेडियल पॉइंट होगा। उसके बाद अगर सिंगल चार्ज है और प्लस है क्या है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, क्या होगा रेडियली, इसको बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। Getting my point or not? अच्छा, electric line zero कब होगा? अगर यहाँ पर source charge है Q और इस point पे electric field P point P पे electric field निकालने के लिए E इस पर कितना होगा? One upon four pi epsilon naught Q by R square. E tending to zero कब? जब R tending to infinity. यानी किसी source charge की वजह से electric field किसी point पे zero कब होगा? जब electric field जो point का source charge से बहुत ही दूर पर, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर ना मैग्नीट्यूड होगा और ना अट्रैक्शन होगा, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना मांगता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। अब ये सोर्स चार्ज ये यहां पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, यहां भी यहां भी यहां भी यहां हर जगह करेगा, तो हर जगह इलेक्ट्रिक लाइंस होगा कि नहीं होगा, यानी कि यहां भी होगा यहां भी होगा यहां भी होगा, ये कहां तक जाएगा जहां तक इलेक्ट्रिक जीरो नहीं होता तहां तक, इलेक्ट्रिक जीरो कहां होगा, यानी कि अगर प्लस चार्ज लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा। अगर एक सिंगल चार्ज है और माइनस है क्या है, माइनस है क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे रेडियली इनवर्ड बोलेंगे, इधर खींचेगा ना इस पॉइंट पे, इधर खींचेगा ना, अरे बोलिए ना, इस पॉइंट पे इधर खींचेगा ना, इस पॉइंट पे आप देखिएगा ध्यान से, अगर माइनस चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ना आ रहा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबका कहां से शुरू हो रहा है इनफाइनाइट से, और खत्म कहां हो रहा है आकर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट और मान। तो ये ध्यान देना है कि प्लस चार्ज है, सिंगल प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइन से प्लस से निकलेगा कि जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। अगर आपका सोर्स चार्ज सिंगल है और नेगेटिव है तो क्या मतलब उसका इलेक्ट्रिक लाइन कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, खत्म कहां होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे बोलिए तो इस तरह से होते हैं रेडियली और इसको बोलेंगे रेडियली अब अगर मल्टीपल चार्ज है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। सिंगल चार्ज के लिए आपको समझ में आ गया कि नहीं, सिंगल चार्ज के लिए एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और बोलिए
तो अगर प्लस चार्ज है, सिंगल प्लस चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, प्लस चार्ज से निकलेगा और रेडियली आउटवर्ड जाएगा तो कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक। अगर माइनस चार्ज है उसको क्या होगा, माइनस से निकलेगा और रेडियली इनवर्ड आते जाते कहां तक आएगा, माइनस चार्ज तक। रेडियल पॉइंट ऑफ नोट, तो यहां पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो शुरू कहां से होता है, प्लस चार्ज, खत्म कहां से होता है, माइनस से। ये भी बोल सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला हुआ है, इसको खत्म कहां होना है, प्लस चार्ज पर, माइनस चार्ज पे। दुनिया में हमने तीन चार्ज माना है, एक ही प्लस माना है और कोई चार्ज नहीं है, तो ये तलाश में कहां तक जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तलाश करते हुए जाएगा ना। अच्छा, एक ही खाली माइनस चार्ज दुनिया में, कोई प्लस चार्ज नहीं है, तो इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइन्स आएगा कहां से आएगा, इनफाइनाइट से ना। वेरी पॉइंट ध्यान देना, तो अगर सिंगल प्लस है तो प्लस चार्ज निकलेगा, खत्म होगा इनफाइनाइट पे, अगर खाली माइनस चार्ज है तो मैंने बोला कि सोर्स चार्ज आपका सिंगल भी हो सकता है एंड मल्टीपल भी हो सकता है। सिंगल सोर्स चार्ज होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ना थे, बोलिए स्ट्रेट लाइन थे। उसमें भी ये भी देखा आपने कि अगर सोर्स चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन रेडियली आउटवर्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड। तो किया क्या, बेसिकली आपने एक सोर्स चार्ज रखा उस हर जगह पर प्लस वन कूलम चार्ज रख के देखने के फोर्स लग रहा है, उसी को बोल दिया आपने फील्ड लाइन ना। अगर नेगेटिव चार्ज तो बाबू नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके बाबू होंगे वो क्या होंगे, रेडियली रेडियली इनवर्ड ना, बोलिए शादी चुप क्यों है आप, रेडियली इनवर्ड याद रखेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि किसके किस में याद रखेंगे, वो कि ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस चार्ज एंड मर्ज एट एंड प्लस चार्ज एंड गोज टू ना। अरे बोलिए इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें क्या होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम इनफाइनाइट एंड मर्ज एट यानी कि प्लस चार्ज निकलेगा और माइनस चार्ज में जाएगा। तो अगर एक प्लस चार्ज बगल में रख दीजिए, एक माइनस चार्ज बगल में रख दिया, तो उस केस में क्या होगा, प्लस से निकल के यहाँ इन्फिनिट क्यों जा रहा है, क्योंकि आसपास कोई माइनस चार्ज नहीं मिल रहा है, इन्फिनिट से यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई प्लस चार्ज नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बगल में ही हो जाता क्या होगा, प्लस चार्ज से निकलेगा और माइनस चार्ज में घुस जाएगा। अरे बोलिए यहाँ बोल सकते हैं ना कि मर्ज फ्रॉम मर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड इमर्ज फ्रॉम क्या बोल रहे यार, इमर्ज होगा ना, इमर्ज के स्पेलिंग ई होता है ना, इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड मर्ज टू, यानी कि प्लस चार्ज निकलेगा और माइनस चार्ज में जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर खाली एक ही प्लस चार्ज है तो यहाँ से निकलेगा लेकिन जाएगा कहीं, इनफाइनाइट, खाली माइनस चार्ज है तो इनफाइनाइट से निकलेगा और, लेकिन अगर दो को प्लस एक प्लस और एक माइनस एक ही पास पर रख दीजिए थोड़ा सा दूरी पर, तो क्या होगा, यहां से निकलेगा और इसमें जाएगा ना, यहां से निकलेगा इसमें जाएगा, यहां से निकलेगा यहां से जाएगा, समझ में आ रहा है कि एक दोनों प्लस रखिए, इसी केस में क्या होगा, दोनों से निकलेगा और किसके प्लस में रहेगा, माइनस चार्ज के प्लस में रहेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी दोनों से निकलेगा, माइनस प्लस का रहेगा, माइनस है नहीं पूरी दुनिया में, कहां जाएगा ये, इनफिनिट जाएगा, यहां से निकलेगा इनफिनिट जाएगा, यहां से निकलेगा इनफिनिट जाएगा, यहां से निकलेगा इनफिनिट, समझ में आ रहा आपको।
अब ऐसे क्यों बना रहे हैं बाद में देखेंगे, ठीक है ना, आपको बता देंगे हमें किसी समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ड्रेक्शन का वैसे होगा ना, बोलिए ना, इतना तो तल है ना कि दूर जाएगा प्लस चार से निकल के इन्फिनिट जाएगा। अरे बोलो, अगर आप दो को माइनस साइड रखते हैं, दो माइनस साइड रखते हैं तो क्या होगा? ए खुशी, आप कैसे पढ़ोगे? रुको बैठो अभी जल्दी से, हालांकि ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, शांति से बैठ लो चेयर लेकर। दो माइनस चार कोई दिक्कत नहीं, माइनस चार काट दिया नहीं काट दिया, अरे ठीक है, अभी इतना दिन गया, बच्चे हैं वो डांट मत खाते हैं, जो देखे वो डांट खाता होगा कभी, कोई दिक्कत नहीं। सो अगर दो माइनस चार तो कहां से निकलेगा बाबू? प्लस प्लस तो है नहीं, खाली माइनस चार तो कहां से निकलेगा? इनफाइनाइट जाएगा कहां? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, क्योंकि जो प्लस से निकल कर माइनस में जाएगा और कहीं नहीं जा सकता, खाली प्लस चार्ज है तो प्लस निकलेगा जाएगा कहां? इनफाइनाइट, खाली माइनस चार्ज है तो इनफाइनाइट निकलेगा कहां आएगा? नारा समझ, एक प्लस एक माइनस है तो प्लस से निकल के दो को प्लस है तो दोनों प्लस निकलेगा और कहां जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा। दो को माइनस है तो इनफाइनाइट निकलेगा, दोनों माइनस में आ जाएगा। लेकिन मैं पॉइंट और नोट है, बोलिए नारा समझ भाई बाबू, अरे आसान है रे बाबू एकदम, मतलब तरीके से करेंगे तो आसान लगेगा, समझेंगे तो, रट्टा मारेंगे तो समझ लेंगे कतई जहर है ये, नारा समझ फील हुआ कि नहीं? अब देखिए, अगर प्लस वन प्लस चार प्लस चार तो आप रेडियली और डॉट बनाते थे, और माइनस चार था तो रेडियली इनवर्ट आप बनाते थे कि नहीं? बोलिए, तो इसका लॉजिक हमने दे दिया था कि जहां पर निकालना वहां पर प्लस वन प्लस चार रखिए फोर्स देते थे। यहां पर देखिए कर्व बनाया हम, यहां भी कर्व, यहां भी कर्व, यहां भी, इसका प्रूफ चाहिए नहीं चाहिए आपको कि कैसे आपने ड्रॉ कर दिया? ये करा दे, यहां भी वही काम करना है। क्या करना है? अब क्या करना है कि प्लस वन प्लस चार्ज अलग अलग जगह पर रखे, देख लेना उसका फोर्स कंडक्शन क्या है, वही फोर्स कंडक्शन कहा जाएगा बाबू, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जाए। रेडी माई पॉइंट, एक करके दिखाया हम आपको, मान लीजिए हम यहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए प्लस यहाँ है, पहले माइनस यहाँ, ये वाला करता है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनको जैसे यहाँ पर प्लस वन प्लस चार्ज रख दीजिए, रखेंगे ये वाले भाई साहब इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये वाले भाई साहब इधर, ये जाएंगे किधर? ध्यान देना आपको, अगर दो वेक्टर है, एक 10 न्यूटन इधर है और एक 10 न्यूटन इधर है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा, क्या होगा? बीच में, यानी ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा जो बता रहा हूं मैं बात है, यहां पर 10 न्यूटन है और यहां पर 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? बीच में होगा, और ये क्या होगा? लेस देन 45 होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का झुकाव किधर होगा? जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर देखिए, ये भाई साहब इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भाई साहब इधर, इनमें ये वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये पास में है, ये थोड़ा सा दूर है ना इनकी वजह से, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? इधर होगा, इस पॉइंट पर, देख रहे हैं कि नहीं? तो थोड़ा सा इसे ये इधर खींचेंगे, ये इधर खींचेंगे, मतलब ये इधर धक्का देंगे, इधर खींचेंगे, ये जाएंगे किधर? थोड़ा सा हट के ना, मान यहाँ पर पहुंचे, कहाँ पहुंचे? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ये वाले क्या करेंगे? इधर खींचेंगे, ये वाले इधर खींचेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलिए, मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ तो यहाँ पर ये वाले फिर आप इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वाले भाई साहब इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये वाले भाई साहब इधर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा ये ऐसे, अब देखिएगा ये जगह धीरे धीरे पास जा रहा है, तो थोड़ा सा इधर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नारा समझ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? ये वाले भाई साहब इधर धक्का देंगे, ये वाले धक्का देंगे, तो रिजल्टेंट इधर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो देखिएगा यहाँ से निकलते निकलते ऐसे बन रहा है कि नहीं? नारा समाज, फिर आ रहा है बाबू, फिर कराएंगे बोल दो, तो यानी कि प्लस वन प्लस चार्ज रखेंगे तो इन पे जो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पर प्लस वन प्लस चार्ज रखेंगे तो कैसे फोर्स लगेगा? ऐसे फोर्स लगेगा, कराए फिर से, ये सब का कर लोगे ऐसे ही प्लस वन प्लस चार्ज रख के,
क्योंकि डेफिनेशन ही है, क्या डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कॉइल अलोंग व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन प्लस वन कूलम चार्ज ड्यू टू सोर्स। ध्यान देना मेन है यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड रट्टा नहीं मारना है, लाइंस आर दी कर अलोंग व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन प्लस वन कूलम टेस्ट चार्ज ड्यू टू। तो ये बताओ कौन सा रॉकेट साइंस, ये बताओ किसको लग रहा है कि टफ है यार, हमको सोर्स चार्ज दिया है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक निकालना ऊपर क्या रखेंगे प्लस वन कूलम चार्ज रखेंगे, फोर्स कंडक्शन निकाल देंगे, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंगल चार्ज रहेगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डबल चार्ज रहेगा तो आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन हो तो जाएगा। द डेफिनेशन ही मेन है, यही यही सम, यही मेन है, आप बेसिक चीज समझिए इसका, इसी में सब चीज का आंसर छुपा हुआ है। ये जितने फील्ड लाइन्स है आपके ट्वेल्थ लेवल पे किसी बच्चे से पूछेंगे तो नहीं बताएगा, टीचर भी लमसम हाउ आज कर देता है, आप बुक में जाएंगे तो नहीं पड़ेगा, आप पूछेंगे किसी क्लासरूम से नहीं बताइए फील्ड लाइन्स कितने, प्लस पॉइंट से दिखा दें, प्लस कोई ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, क्या करना है आपको प्लस कॉम रखिए, यहाँ पर प्लस रखिए, देखिए ये वाला समझ में आ गया, प्लस कोई देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर पॉइंट लिखिए, तो ये वाले इधर फिल करेंगे, ये वाले इधर पर, ये जाएंगे किधर, बीच में कहीं जाएंगे, यहाँ यहाँ पर देखिए दूर भागते हुए नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ से सीख गए, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये वाले इधर धक्का देंगे और ये वाले इधर धक्का देंगे, फिर कहाँ जाएंगे समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा और ऊपर जाएंगे ना, ये देखिएगा ऐसे बन रहा है नहीं, अब प्लस माइनस वाले में क्या था, प्लस और माइनस देखिएगा झुकाव किधर हो रहा था, यहाँ पर पॉइंट था, ये वाले इधर खींच रहे हैं, ये वाले इधर खींच रहे हैं, ये जाएंगे इधर ना, देख रहे हैं झुकाव, पॉइंट है इधर से इधर, अकेले था तो इधर अप्लाई कर रहा था, ये था झुका इधर, इस केस में अकेले था तो इधर दे रहा था, लेकिन क्यों छाना के लिए लाइन इधर टेढ़ा हुआ ना, अरे ये देखो भाव, ये अकेले है तो इधर है, ये इधर है तो इन दोनों के बीच में इधर आया था, शिफ्ट करके नहीं ऐसे, इसी किस्म क्या है, अकेले था तो इधर, ये आ गए तो इधर, तो अब शिफ्ट होता रहा कि नहीं, बीच में इधर शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं, ऐसे देख रहे हो, ये भाव यहाँ अभी ना आ रहा है, जबरदस्ती हो गया फिर, तो सच से बताइए कि ये जो है क्लियर कर दीजिए कैसे, बुक बुक में ना लिया कितनी आवाज कर रहे हैं, ये रातों का मेहनत है पीछे समझने के लिए, तो कभी कहना क्या चाहता है और कभी यही कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कर्ल्स, सॉरी कर्ल्स एक्टिंग ऑन प्लस वन कूलम चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, क्लियर, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर, अब कल जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ेगा, कोई दिक्कत वाला प्रॉपर्टी में कुछ नहीं होता, मेन यही है, लेकिन हो गया ट्वेल्थ लेवल पे, हम तो यही निकाल देना था, बाकी बच्चा खुद कर लेगा, ये मेन है, लेकिन यही सब प्रॉपर्टी निकाल दिया जाएगा, आयात कर दिया आपको आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत तो बात ठीक है।